प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बाबा रामदेव पर क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश सरकार ने कोरोना चेन तोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया है, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि कांग्रेस की जो सरकार का जो कोरोना कर्फ्यू सिर्फ नाम का कर्फ्यू था। सड़कों पे वाहनों की वैसी लंबी कतारें और बाजारों में भारी भरकम भीड़ जुटती दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस एक बड़ा सवाल उठा रही है कि सरकार ने केवल लोगों को परेशान किया, लेकिन इसका फायदा किसी भी वर्ग को नहीं हुआ। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से, आखिर कांग्रेस क्या कहना चाहती है, कांग्रेस के पास क्या ऐसा एजेंडा है कि कांग्रेस सरकार को भी कोई सुझाव दे और कोरोना का जो जो संकट है उसमें भी कमी आए। राठौर साहब, देखिए, जहां तक तो सुझाव की बात है, हमने समय समय पर सरकार को चेताया है, लेकिन इस सरकार में बहुत बुद्धिजीवी और समझदार लोग बैठे हैं, उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने फालतू की सलाह देना बंद कर दी। और जो ये कोरोना कर्फ्यू जिस ढंग से यहाँ लागू किया गया, हमने तो पहले दिन से ही कहा कि इसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसे रबड़ की तरह खींचा गया। ना तो कर्फ्यू लगा, ना ही धारा 144 लागू हुई, उल्टा जो सरकार में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री स्वयं धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नजर आए, तो इसका कोई फायदा हुआ नहीं। कोरोना की चैन टूटी नहीं, लोगों को बेवजह परेशान किया गया, और 3 घंटे का जो समय, उसमें भीड़ जो है बराबर बदस्तूर जो है बाजारों में नजर आती रही, ट्रैफिक जैम लगते रहे, तो मुझे लगता नहीं कि इसका कोई फायदा हुआ नहीं। सरकार को चाहिए था कि सख्ती से लगाते तो इतना आगे इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं कह नहीं सकता कि सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की क्या सोच है, लेकिन ये कोरोना कर्फ्यू जो है बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ। राठौर साहब, आपने एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप सरकार पे लगाया कि सरकार कोरोना से जो लोग मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनका आंकड़ा सरकार कम करके दिखा रही, का आंकड़े छुपाने का काम चल रहा है। देखिए, मेरी ये सोचना कि बहुत सारी जो मौतें हो रही हैं, उन मौतों को छुपाया जा रहा है, और आंकड़ा जो है लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस बात का सूचक है कि सरकार का जो मेडिकल सिस्टम है वो पूरा फेल सिद्ध हुआ। कहा जा रहा कि आने वाले 1 जून से अनलॉक फेज शुरू हो पाएगा, कांग्रेस का क्या सुझाव है, कांग्रेस क्या मानती है कि ये सही वक्त है कि अब अनलॉक फेज शुरू किया जाए? देखिए, सरकार क्या करने वाली है वो कहना मुश्किल है, देखते हैं क्या करते हैं, पहले इन्हें फैसला लेने दो, उसके बाद हम अपनी टिप्पणी करेंगे। राठौर साहब, दो और महत्वपूर्ण बातें इस बीच में हुई है। कांग्रेस जो आप मजबूती की बात करते थे, एकता की बात करते थे, कांग्रेस के कुछ नेताओं के पोस्टर फाड़े गए, आरोप ये लगा कि कुछ बड़े नेताओं की नजर अंदाजी हुई है, सही बात क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर कहीं गलती हुई है उसे सुधारा जा सकता है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, किसी और से भी गलती हुई होगी, लेकिन इसे बेवजह तूल देने की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, इकट्ठी है, और हमने मिलकर जहां भारतीय जनता पार्टी से लोहा लिया है, वहां हम जनता के साथ खड़े रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी इकट्ठी है, भविष्य में भी इकट्ठी रहेगी, इतना बड़ा परिवार है, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो हम जो है निश्चित तौर पे इस पर काबू करेंगे, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो वो भी हमारा प्रयास है। आखिरी सवाल, बाबा रामदेव हिमाचल प्रदेश में जिनकी जमीन है बड़े विवादों में है, डॉक्टरों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है और मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ है, आप इस पूरे घटनाक्रम को पैंडेमिक के बीच में जहां डॉक्टर भी बड़ी मदद में लगे हैं, कठिन दौर से गुजरे हैं, बाबा रामदेव के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और जब वो कहते हैं कि देश के 2000 डॉक्टर मर गए, उन कैसे मरे, मरीजों की सेवा करते हुए मरे, कहां तो उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, वो इस तरह की जो बात कर रहे हैं इसमें मुझे ऑब्जेक्शन है। जिस ढंग से वो एलोपैथी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके बड़े बोलेपन पे जो है लगाम लगाने की जरूरत है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो उनको नोटिस दिया है उस पर निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाई होगी। वो आयुर्वेद को बढ़ाने की बात करते हैं, हम भी समर्थक है, आयुर्वेदिक पे हमें गर्व है, इस देश ने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया, योग दिया, लेकिन इस पे जो अधिकार है वो बाबा रामदेव का नहीं, आदिकाल से आयुर्वेद चला आ रहा है, आदिकाल से जो है देश में योग चल रहा है,
लेकिन बाबा रामदेव ने आयुर्वेद योग की आड़ में अपने धंधे को चमकाया और एक साधारण सा व्यक्ति जो साइकिल पे चूर्ण बेचता था आज वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का मालिक है। कहां से ये पैसा आया? सरकार के समर्थन से, सरकार से जो है जो रियायतें मिली, करोड़ों रुपए के कर्ज जो है सरकार ने बाबा रामदेव के माफ किए, किस आधार पे किए? कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर बिल्कुल मुखर हैं बाबा रामदेव के बयान को लेकर, इनको सख्त एतराज है और इनका ये कहना है कि बाबा रामदेव के बयानों पर लगाम लगनी चाहिए क्योंकि कोरोना का वक्त है, डॉक्टर सबसे बड़े फ्रंटलाइन वॉरियर के तरफ काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को इससे हानि पहुंचेगी। शिमला से इंडिया।